हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सभी प्यारे साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं विवेक कुमार यूवी कॉम्पिटिशंस चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, रोज़ाना की तरह मैं लेकर हाजिर हूं डेली करंट अफेयर्स जीके, जो कि आपका हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में। यह करंट अफेयर्स आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है। आज 14 दिसंबर 2018 वार शुक्रवार। मेरे प्यारे साथियों, यूवी कॉम्पिटिशंस चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूवी कंपटीशन चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारे द्वारा दिए गए अपडेट्स के नोटिफिकेशन मिलते रहें। इसके साथ यदि आप राजस्थान जीके और मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ने की इच्छा करते हैं तो राजस्थान जीके और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए अन अकेडमी पर मुझे फॉलो करें। अन अकेडमी पर फॉलो करने का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अन अकेडमी पर फॉलो करें और राजस्थान जीके और मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ने का मजा लें। इसके साथ करंट अपडेट, रिक्रूटमेंट नोटिस, क्वीज और हेल्प सेंटर के लिए आप यूवी कॉम्पिटिशंस जो कि इंस्टाग्राम पेज है वहाँ पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं आज के मुख्य समाचार। सबसे पहले बात करते हैं नेशनल न्यूज राष्ट्रीय समाचारों की। द दिल्ली हाई कोर्ट ऑर्डर्ड ए बैन ऑन द सेल ऑफ ऑनलाइन मेडिसिन बाई ई फार्मासिस्ट अक्रॉस द कंट्री। दिल्ली उच्च न्यायालय ने पूरे देश में ई फार्मासिस्टों द्वारा ऑनलाइन दवाओं की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया है। नेक्स्ट, इंडिया साइंड एन असेंशन पैक्ट टू द 30 मेंबर ट्रांस रीजनल मैरिटाइम नेटवर्क दैट विल गिव इट एन एसेस टू द इंफॉर्मेशन ऑन शिप्स पासिंग थ्रू द इंडियन ओशियन रीजन। भारत ने 30 सदस्यीय ट्रांस रीजनल समुद्री नेटवर्क पर एक असेंशन समझौते पर हस्ताक्षर किए, जो इसे हिंद महासागर क्षेत्र से गुजरने वाले जहाजों की जानकारी तक पहुँच प्रदान करेगा। ये थे राष्ट्रीय समाचार। अब आइए बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय समाचारों की, इंटरनेशनल न्यूज की। प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद इज ऑन ए स्टेट विजिट टू म्यांमार। ही डेडिकेटेड इंडिया असिस्टेड प्रोजेक्ट एडवांस्ड सेंटर फॉर एग्रीकल्चरल रिसर्च एंड एजुकेशन ACAR टू द पीपल ऑफ म्यांमार। राष्ट्रपति कोविंद ने म्यांमार के लोगों को भारतीय असिस्टेड प्रोजेक्ट कृषि अनुसंधान और शिक्षा के लिए उन्नत केंद्र समर्पित किया है। आइए बात करते हैं अपॉइंटमेंट्स नियुक्ति की। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचारों के बाद नियुक्ति अपॉइंटमेंट्स क्या क्या हुए हैं। कांग्रेस पार्टी है चुन एमपी स्टेट्स स्टेच्यू यूनिट प्रेसिडेंट कमलनाथ एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश। ही विल रिप्लेस आउटगोइंग चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान। कांग्रेस पार्टी ने एमपी राज्य के लिए इकाई अध्यक्ष कमलनाथ को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में चुना है। वह आउटगोइंग मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की जगह ले लेंगे। नेक्स्ट, तेलंगाना राष्ट्रीय समिति TRS चीफ के चंद्रशेखर राव वाज स्वर्न इन एज द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ तेलंगाना फॉर द सेकेंड टाइम। ए फ्यू मिनिस्टर्स विल आल्सो स्वियर इन ऑन द ओकेजन एट ए सेरेमोनियल प्रोग्राम टू बी हेल्ड एट द राजभवन। तेलंगाना राष्ट्रीय समिति TRS के चीफ चंद्रशेखर राव ने दूसरी बार तेलंगाना के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। राजभवन में आयोजित एक औपचारिक कार्यक्रम में इस अवसर पर कुछ मंत्री भी शपथ लेंगे। नेक्स्ट, इन मिजोरम द न्यू गवर्नमेंट ऑफ मिजो नेशनल फ्रंट MNF एडेड बाई मिस्टर जोरम थंगा विल बी स्वोन इन ऑन 15 दिसंबर। मिजोरम में श्री जोरम थंगा की अध्यक्षता में मिजो नेशनल फ्रंट की नई सरकार 15 दिसंबर को शपथ लेगी। नेक्स्ट, कैग हैज अनाउंस्ड दैट कंपट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल राजीव मेहर्षि हैज बिकम द वाइस चेयर ऑफ द UN पैनल ऑफ ऑडिटर्स। कैग ने घोषणा की है कि नियंत्रक और मालिका परीक्षक जनरल राजीव मेहर्षि संयुक्त राष्ट्र पैनल के लेखा परीक्षकों के उपाध्यक्ष बन गए हैं। आइए बात करते हैं रैंक एंड रिपोर्ट्स, रैंक एंड रिपोर्ट्स की। ए स्वेडिश थिंक टैंक स्टॉकहोल्म इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट SIPRI अनाउंस्ड दैट रशिया हैज इमर्ज्ड एज द वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट आर्म्स प्रोड्यूसर आफ्टर द यूनाइटेड स्टेट्स। स्वेडिश थिंक टैंक स्टॉकहोल्म इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने घोषणा की कि रूस संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद दुनिया के दूसरे सबसे बड़े हथियार उत्पादक के रूप में उभरा है। नेक्स्ट, द क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स CCPI 2080 वाज रिलीज्ड ऑन द साइडलाइंस ऑफ ए UN समिट ऑन ग्लोबल वार्मिंग। एज पर द इंडेक्स स्वीडन हैज टॉप्ड द लिस्ट वाइल इंडिया वाज ऑन 11th पोजिशन। ग्लोबल वार्मिंग पर संयुक्त शिखर सम्मेलन के दौरान जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक CCPI 2018 जारी किया गया था। इंडेक्स के अनुसार स्वीडन सूची में सबसे ऊपर है जबकि भारत 11वें स्थान पर रहा है। नेक्स्ट, अवार्ड्स पुरस्कार। मनिका बत्रा वोन द ब्रेक थ्रो टेबल टेनिस स्टार अवार्ड एज द
एट द प्रेस्टिजियस इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन ITTF स्टार अवार्ड इन इंचोन साउथ कोरिया। मणिका बत्रा ने इंचियन दक्षिण कोरिया में प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस फेडरेशन ITTF स्टार अवार्ड्स में ब्रेक थ्रू टेबल टेनिस स्टार पुरस्कार जीता है। नेक्स्ट स्पोर्ट्स न्यूज खेल समाचार। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडियाज हॉकी अकेडमी बीट आर्मी 11 दानापुर टू क्लिंच द 115 ऑल इंडिया आगा खान गोल्ड कप हॉकी टूर्नामेंट हेल्ड एट मेजर ध्यानचंद हॉकी स्टेडियम इन न्यू दिल्ली। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की हॉकी अकादमी ने नई दिल्ली में मेजर ध्यानचंद हॉकी स्टेडियम में आयोजित 115वें अखिल भारतीय आगा खान गोल्ड कप हॉकी टूर्नामेंट में आर्मी 11 दानापुर मात देकर खिताब अपने नाम किया। और लास्ट न्यूज है आपका क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया CA एंड द ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स एसोसिएशन ACA अनाउंस्ड टू रिबैंड ग्रांड इट्स एलन बॉर्डर मेडल टू ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट अवार्ड फ्रॉम 2019 ऑनवर्ड। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट एसोसिएशन ने एलन बॉर्डर मेडल को ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट अवार्ड्स के रूप में 2019 से आगे बढ़ाने की घोषणा की है। तो मेरे प्यारे साथियों, ये थे आज के मुख्य समाचार जो कि कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। यदि आपको हमारे वीडियोज़ पसंद आते हैं तो लाइक करें, जो भी आपकी क्वेरी है, जो भी क्वेश्चन है वो कमेंट करें, और यूवी कंपटीशन चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।